मैं पहली बार सदन में आई थी, मेरी बुंदेलखंडी भाषा से एक शब्द निकल गया था। पार्लियामेंट को 8 दिन नहीं चलने दिया था, ये नारी का सम्मान है? मेरे कारण मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे कारण वेंकैया नायडू जी को, मेरे कारण मेरे आज के रक्षा मंत्री जी को, मेरे कारण स्वर्गीय सुषमा स्वराज को माफी मांगनी पड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कौन जवाबदेही होगा जब मौत का सौदागर कहा गया प्रधानमंत्री जी को? जब घाव होता है, मिर्ची लगती है, तो चीवन तो उठेगी, जरूर उठेगी, और उठना भी चाहिए। देश की जनता देख रही है। इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। मैं पहली बार सदन में आई थी, मेरी बुंदेलखंडी भाषा से एक शब्द निकल गया था। पार्लियामेंट को 8 दिन नहीं चलने दिया था, ये नारी का सम्मान है? सभापति महोदय, ना राम का सम्मान, ना नारी का सम्मान। महोदय, मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे कारण मेरे प्रधानमंत्री जी को, मेरे कारण वेंकैया नायडू जी को, मेरे कारण मेरे आज के रक्षा मंत्री जी को, मेरे कारण स्वर्गीय सुषमा स्वराज को माफी मांगनी पड़ी थी। एक महिला के द्वारा एक शब्द निकला, उसको पार्लियामेंट को घेरा गया। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कौन जवाबदेही होगा जब मौत का सौदागर कहा गया प्रधानमंत्री जी को? इसका जिम्मेदार कौन होगा अध्यक्ष महोदय, जब मेरे प्रधानमंत्री जी को जहर की पुड़िया कहा गया और ये कह दिया गया कि बाहर बोला गया शब्द है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे उम्मीद नहीं है? आप गौरव गोगोई जी, सुन लीजिए, मैं सुनती रही हूँ। बैठो बैठो, अब बैठो बैठो। अब बोलिए, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जब घाव होता है, मिर्ची लगती है, तो चीवन तो उठेगी, जरूर उठेगी, और उठना भी चाहिए। देश की जनता देख रही है कि तुमने राम के साथ क्या किया। कोर्ट में खड़े होकर के 2019 के पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। क्या बात कर रहे हो? किस मुख से राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है राम के विषय पर बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में खड़े होकर के मैं न्यायाधीशों का सम्मान करती हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ, राम मिले सेवक, राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले प्रण के हेत बनवासों में। ये मेरठ के कवि हरिओम पवार जी की पंक्ति। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। मैं खास तौर से मैं मेरठ से हूँ, बड़े राम जी जी, फिर से सुना दे। गौरव गोगोई ने भी उन्हीं पंक्तियों को, इसीलिए मैंने वो उद्धृत किया। जी जी, मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने मेरठ के महान कवि, राष्ट्रीय कवि हैं वो, उनका उल्लेख किया। राम मिले केवट के विश्वासों पर, राम मिले हैं प्रण के हेत बनवासों में, राम मिले हैं हनुमान के क्या बात है सीने पर, राम मिले सबरी के जूठे बेरों पर, और आखिरी मैंने जोड़ा अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर मिला है नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम का इतिहास यदि इन्होंने पढ़ा होता तो जो राम को नकार रहे उनको जवाब मिलना चाहिए था, रामायण फाड़ने वालों को जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सकते। अब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, यदि छछूंदर सांप निगल लेता है तो ना वो गलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। वही स्थिति है इनकी।
मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। अध्यक्ष महोदय, जब गरीबों की बात कर रहे थे मैं तो आज अपने विषय पर सीमित रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया और जो छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, कल मैंने उस हाउस में जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने गरीबी दूर की होती तो आज 4 करोड़ लोगों को घर देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन है? वही है सबरी के लोग, वही है निषाद के लोग, वही है जटाई के लोग, वही है रीछों के लोग, जिनको समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं गरीबी दूर हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, गरीबी दी किसने? अध्यक्ष महोदय, आज मैं थोड़ा अपने बचपन की बात जरूर बताना चाहूंगी। जब इन्होंने कहा, मैं तो राम जन्मभूमि तक सीमित थी, मुझे आगे नहीं बढ़ना था। सन 1982 में मैंने घर छोड़ दिया था। मेरे पिता दूसरों की ईंटें पात के अपने हम लोगों को पालन करते थे। सन्यासी हो गई थी 14 साल की आयु में। श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हमीरपुर जिले में सुमेरपुर बिलाक में गई थी। संत थे, सरल स्वभाव था। हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी आई हैं, 16-14 साल की आयु क्या होती है, लेकिन पहली स्पीच थी कि हम गरीबों को घर देंगे, गरीबों को भूखे नहीं सोने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा विश्वास हुआ, मुझे लगा कि मैं तो घर छोड़ के चली आई, अब मेरे पिता को पक्का मकान जरूर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये नारा 16 तक 14 तक चला। और मेरा सौभाग्य अध्यक्ष महोदय, गरीब की बेटी को गरीबों को घर देने का अधिकार यदि किसी को दिया है तो मुझे दिया है, मेरे सहन से हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सूखा पड़ा था, मेरे गांव में नहर की खुदाई हो रही थी, शायद 12 साल की आयु होगी। काम के बदले अनाज की घोषणा की गई थी, मैं भी जाती थी इतनी मिट्टी उठा करके, ज्यादा अनाज मिले। अध्यक्ष महोदय, लाल जुंडी मंगाई गई थी, मेरी माता रोटी बना के खिलाती, जुंडी माने ज्वार, मेरे बुंदेलखंड की भाषा में क्या करूं, है तो हम बुंदेलखंडी, 100 दंडी 1 बुंदेलखंडी पर्याप्त होते हैं। अध्यक्ष हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बुंदेलखंड बहुत प्यारा क्षेत्र है जी। अध्यक्ष महोदय, मैं वो दिन याद करती हूँ, मेरी माँ यदि आटा बना के रोटी खिलाती तो पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकती थी, दलिया बना के खिलाती थी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का, कोविड जैसी महामारी के समय पर एक भी परिवार भूखों नहीं मरा, और काम की जरूरत पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा करके लोगों को काम भी दिया।